हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। मैं हूं संदीप वर्मा और आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 16 जो हमने पढ़ा था, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने ये चैप्टर समझाया था, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स ईजिली समझ में आ जाएंगे, इनको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में ये आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं आपके लिए, जिसमें अलग अलग क्लासेस के सब्जेक्ट्स हैं मैथ और साइंस के, उसमें आप अपने क्लास और सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है यहाँ पर। ए पार्ट है, The fresh water stored in the ground is more than that present in the rivers and lakes of the world. पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी नदियों झीलों में पानी है उससे भी कहीं ज़्यादा है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड वाटर जो होता है आपका। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, जितना भी रिवर्स लेक्स में वाटर है उससे भी बहुत ज़्यादा। बी, वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो गांव के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वाटर शॉर्टेज की, पानी की कमी की। तो ऐसा नहीं है, आप जानते हैं अर्बन एरियाज, शहर जो होते हैं वहाँ भी वाटर प्रॉब्लम बहुत होती है और गांव से ज़्यादा शॉर्टेज होती है पानी की शहरों में, तो इसलिए ये फॉल्स है। सी पार्ट है, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स। तो नदियों का पानी जो होता है वही इरिगेशन का अकेला सोर्स है, उसी से सिंचाई कर सकते हैं हम खेतों की, तो ये फॉल्स है। इसके अलावा ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स, उनसे हम पानी निकाल कर, कुओं का पानी जो होता है उसको निकाल कर ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उससे भी इरिगेशन की जा सकती है। डी, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। बारिश जो होती है वही अल्टीमेट सोर्स है पानी का, पानी जितना भी है सारा वो बारिश की वजह से ही मिलता है, तो ये ट्रू है। जितना भी पानी है वो चाहे नदियों में हो, झीलों में हो, तालाबों में हो, ज़मीन के अंदर हो, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी है वो सारा का सारा रेन वाटर ही है, बारिश गिरती है उसी से वो पानी सारा का सारा मिलता है, उसी को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन टू है, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज। तो यहाँ ये पूछा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज कैसे होता है, जो भी ग्राउंड वाटर है ज़मीन के अंदर पानी, उसको जब हम निकालते हैं तो वापस वो नीचे कहाँ से आता रहता है उसमें। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज्ड बाय सीपिंग ऑफ रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा इन टू द एम्प्टी स्पेसेज एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज कैसे होता है, जितना भी बारिश का पानी है और रिवर्स लेक्स का, नदियों झीलों का पानी है, वो उसकी सीपेज होती है, वो सीप करता है, अंदर रिश्ता रहता है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में जो खाली जगह होती है और क्रैक्स होते हैं वहाँ पर वो भरता रहता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 10 ट्यूब वेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेज, व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। तो ज़मीन के अंदर जो पानी है उस पानी के लेवल को हम वाटर टेबल कहते हैं, तो वाटर लेवल जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर 10 ट्यूब वेल्स लगाई हुई हैं 50 हाउसेस की एक लेन में, एक गली है 50 घर हैं और वहाँ पर 10 ट्यूब वेल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ अगर वो लंबे टाइम तक उससे पानी यूज़ करते रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, तो वाटर टेबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सिंपल सा, छोटा सा इस तरह से लिख सकते हैं, इन द लॉन्ग टर्म द वाटर टेबल कुड गो डाउन। तो वो वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाएगा, तो पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं और इतनी स्पीड से वो रिचार्ज नहीं होगा उसका वाटर लेवल, तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। क्वेश्चन फोर है, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। तो आपको एक गार्डन, एक बगीचे की मेंटेनेंस के लिए कहा गया, तो आप उसमें पानी का यूज़ जो है उसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, कम से कम पानी खर्चो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं गार्डन में वो आपको बताना है। तो इसका भी आंसर काफ़ी शॉर्ट है, ये वी विल मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर बाय अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो हम पानी का खर्च कम से कम हो, पानी का यूज़ कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उससे हम इरिगेशन करें, और साथ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो होता है, बूंद बूंद करके पानी से सिंचाई करते हैं हम, उसका यूज़ करें इस सिस्टम का। तो इसकी ज़्यादा जानकारी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो वही वाटर टेबल नीचे जाने के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो पानी जो है ज़मीन के अंदर वो नीचे जा रहा है, उसका लेवल और डाउन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है, वो आपको बताने हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, ये क्वेश्चन में से ये फर्स्ट सेंटेंस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कौन कौन से हैं। इसमें ए पार्ट आ जाएगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए पानी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतना ही पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है, तो उससे वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है, उसका लेवल नीचे जा रहा है। बी इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, लग रही हैं, तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उस पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, जिससे वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है। सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो खेती बाड़ी में भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, ज़्यादातर ट्यूब वेल्स का यूज़ किया जाता है प्लेन्स में, तो उसमें भी ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है। और डी है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज, तो वाटर सोर्सेज हमारे जितने भी हैं उनका मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, जहाँ वाटर सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उसका मिसयूज़ होता है, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, पानी वेस्टेज होती है, और जहाँ कमी है वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता, तो इस वजह से भी वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट कर रहा है। जहाँ पर कुएँ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्यूब वेल्स हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से बिना रोक टोक के पानी निकल रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ होने की वजह से वो वाटर टेबल को डिप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है इसमें पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश, तो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए किन किन तरीकों का यूज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ दो बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स, तो ट्यूब वेल्स और हैंड पंप्स का यूज़ करके हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। बी थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर डैश डैश एंड डैश, तो वाटर की थ्री फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आप जानते हैं हर एक मटेरियल जो है थ्री फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो वही वाटर की भी थ्री स्टेट्स होंगी, थ्री फॉर्म्स होंगी, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम जानते हैं आइस होती है वाटर की फॉर्म, और लिक्विड में वाटर, और गैसीय स्टेट होती है इसकी वेपर्स भाप, तो ये थ्री स्टेट्स या थ्री फॉर्म्स आ गई। सी द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश, वाटर बियरिंग लेयर, ज़मीन के अंदर जो पानी है उस लेयर को क्या कहते हैं जहाँ पर वो पानी इकट्ठा होता है, तो ज़मीन के अंदर जिस लेयर में पानी इकट्ठा होता है उसे कहते हैं एक्वीफर। तो एक्वीफर वो जगह है जहाँ पर सारा ज़मीन के अंदर जो खाली जगह है जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है, एक्वीफर। डी पार्ट द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश, तो ये हमने पीछे भी किया था, प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज जो होता है ग्राउंड के अंदर पानी रिस रिस कर जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यह है इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, तो पानी की कमी के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सा इनमें से जिम्मेदार नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जितनी भी लग रही हैं उनकी ग्रोथ की वजह से पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश होना, और फोर्थ है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो पानी के स्रोत जो हैं वाटर रिसोर्सेज उनका मिसमैनेजमेंट, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। तो इनमें से किसकी वजह से पानी की कमी नहीं होती है वो आपको बोला गया है बताने के लिए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी की कमी पूरी होगी, तो यही है जिससे पानी की कमी नहीं होती है, ये आप आंसर में लिख देंगे थर्ड, हैवी रेनफॉल। 8th है चूज द करेक्ट ऑप्शन द टोटल वाटर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर, टोटल वाटर जो है उसके बारे में यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है
इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो टोटल वाटर जो है पूरा पानी किसमें, पूरी दुनिया की लेक्स और रिवर्स में, झीलों में, नदियों में, वो पूरा कॉन्स्टेंट रहता है, वो हमेशा एक बराबर रहता है। सेकेंड, अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जमीन के अंदर जितना पानी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, बराबर रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। थर्ड, इन द सीज एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जितना भी पानी है सीज में, समुद्रों में और ओशंस में, महासागरों में, वो पूरी दुनिया में जितना भी है वो सारा का सारा कॉन्स्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। या फोर्थ, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पूरी दुनिया में जितना पानी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, एक बराबर रहता है। तो लेक्स और रिवर्स में जो है वो पानी घटता बढ़ता रहता है, आप जानते हैं, बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, कम होगी तो पानी कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर भी इसी तरह से है, उसका यूज़ अगर हम कम करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा पानी। इसी तरह से समुद्रों में, महासागरों में पानी जो है वो भी घटता बढ़ता रहता है, उसका लेवल, वो भी नदियों से कितना पानी उसमें जा रहा है उस हिसाब से। और फोर्थ जो है, पूरी दुनिया में जितना वाटर है वो उतना का उतना ही रहता है, क्योंकि कहीं बाहर से वाटर नहीं आता है, सारा का सारा वाटर अर्थ पर ही है। वही पूरा वाटर साइकिल आप जानते हैं, जब हमने चैप्टर ये पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको, तो वाटर साइकिल है वही, पानी पूरा दुनिया में घूमता रहता है, टोटल वाटर जो है पूरे वर्ल्ड में वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये आप लिख देंगे, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल वाटर पूरी दुनिया का वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट। तो ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल का स्केच बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, और उसमें लेबल भी करना है उसको, उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो ये भी बुक में है आपके, पिक्चर डायग्राम, इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नीचे ग्राउंड वाटर है, यही लेयर जो है इसे हम एक्वीफर कहते हैं, इसमें ये जो ऊपर की लेयर होती है टॉप लेयर, इसे वाटर टेबल कहते हैं, तो ये वाटर टेबल आ गया। इस ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए हम ये हैंड पंप का यूज़ करते हैं या ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको लेबल करना है, इसमें ग्राउंड वाटर, एक्वीफर, वाटर टेबल और हैंड पंप दिखाया है जहाँ से इसको यूज़ करते हैं, और साथ में इसका रिचार्ज कैसे होता है वो, उसके लिए यहाँ पर ये क्लाउड्स दिखाए हुए हैं ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाउड से रेन हो रही है, रेन से ये वाटर जो है रिचार्ज हो रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये स्केच आपने इसमें बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, नोट करें और तैयारी करें एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।